बाइक राइडर जो दुबई से अपनी बाइक को इंडिया में शिप करवाता है, कोची के अंदर वो बाइक उन्हें रिसीव होती है, उसके बाद वे सारा उधर का एरिया घूमते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली के बाद करनाल, ये करनाल में अबरार हसन एक बाइक राइडर जो जर्मनी पासपोर्ट होल्डर हैं और बेसिकली वो पाकिस्तान के हैं, जर्मन से पाकिस्तान की एक राइड की थी उन्होंने। उसके बाद उन्हें लगा कि मुझे मिडल ईस्ट भी करना चाहिए। मिडल ईस्ट कंप्लीट करने के बाद वो भारत की ओर निकले, भारत से पाकिस्तान की ओर निकले। अब विस्तार से आपको मैं बताता हूँ, ये करनाल बाइक राइडर ग्रुप है जो उन्हें रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद इन्हें एक अच्छे लंच के लिए लेकर आगे जा रहा है। ये राइडर ग्रुप करनाल से है और करनाल के तमाम इसमें लोग हैं और फ़िलहाल इन्होंने अबरार हसन पाकिस्तान की पैदाइश हैं और फ़िलहाल उनके पास अब जर्मनी पासपोर्ट है, जिसके चलते हुए वो विदेशों में जा रहे हैं। बाइक के ऊपर उनका शौक है, उन्हें उनका ये ट्रैवल करना एक शौक था, जिसके चलते हुए उन्होंने एक अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया जिसमें काफ़ी लोगों का उन्हें प्यार मिलता गया और उस प्यार से ये बाइक के साथ वो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जो बाइक चलाना उनका पैशन था और यूट्यूब का उनका जॉब था। इस तरह से उन्होंने एक बातचीत हमारे साथ रखी। ये फ़िलहाल अब आप जो तस्वीरें देख रही हैं ये करनाल फाइव स्टार प्रॉपर्टी नूर महल की, जहां पर करनाल राइडर ग्रुप की तरफ से एक लंच रखा गया था। उनका साजो सामान जो लेकर निकले हैं अलग अलग देशों में और वहां पर उन्होंने यात्रा की है इस बाइक के जरिए, शानदार बाइक, और इसी बाइक के जरिए वो एक संदेश भी तमाम युवाओं को दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं बाकी बाइक राइडर्स भी उनके साथ हैं और बुके देकर, फूल देकर उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तमाम युवाओं को समझना चाहिए और जिस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए उसमें एक संदेश देते हुए नज़र आते हैं। अबरार हसन जर्मनी के रहने वाले हैं, मूल रूप से वो पाकिस्तान के हैं और भारत में उनका जोरदार स्वागत हो रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच भले ही रिश्ते कभी खटास से जुड़े हुए हों, लेकिन इस तरीके से जब भी कोई युवा आते हैं तो उनका जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जाता है। और अबरार हसन जी पहुँचे हैं कई देशों की यात्रा, बड़ी मुश्किल से हमने खड़े किए एक्चुअली इसके स्टैंड में थोड़ा सा जो है ना मसला कर रहा है, उसको हमने बाइक पे मैं 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, चल रहा है। कोविड के दिनों में थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लास्ट ईयर मेरे मिडिल ईस्ट में कंट्रीज के नाम नाम तो बताने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, दो चार उसमें जर्मनी से लेके पाकिस्तान किया था, तो यूरोपियन कंट्रीज, देन तुर्की, ईरान, और फिर पाकिस्तान से ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, पैलेस्टाइन, इसराइल, सीरिया, लेबनान और सारे जीसीसी कंट्रीज और इंडिया। सर अभी मैंने देखा आपकी जब एंट्री हुई तमाम जो बाइक राइडर्स थे यहाँ पर पहुँचे, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत दृश्य था वो, कोई भी इस नज़ारे को देखेगा तो खुश हो जाएगा, इतना जोश आता कहाँ से सर, कभी थकान भी महसूस हुई? थकान तो हर बंदे को होती है, लेकिन आप जब काम शौक से कर रहे होते हैं फिर आप लोगों को लोगों का इतना प्यार मिल रहा होता है। सो मैं तो हमेशा अपने आप को दुनिया के लकी इंसानों में से समझता हूँ जो अपना ख्वाब जी रहा है, यहाँ पे लोग जो है ना मुझसे मिलने के लिए आते हैं, तो मेरे में तो खास बात से ख्वाब था सर आपको, नहीं ट्रैवल का ख्वाब था, मतलब ये नहीं था ख्वाब के लोग मुझसे मिलेंगे आके। और क्या एक संदेश क्या दे रहे हैं आप बाइक राइडिंग के जरिए, कोई संदेश भी पहुँचा रहे होंगे, वो संदेश क्या? एक्चुअली एक मैसेज तो यही होता है कि आप जहाँ पे जाओ लोगों से, एक तो सबसे पहले खुद इंसान को जो है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए हर कल्चर, हर रिलीजन के लिए, और किसी भी जगह पे आप किसी भी रीजन में जा रहे हो, और दूसरा ये कि अगर आप वहाँ से कुछ सीख के आते हो जो आपको थोड़ा सा जो है वो अच्छा इंसान बनने में हेल्पफुल रहे,
फिर अपने एक्सपीरियंस जो वो लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हर कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान सीख सकता है। अबरार भाई आजकल ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, भाग दौड़ काम को लेकर, घूमना हर कोई जाता है, कई बार पैसे की तंगी, टाइम की तंगी, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप भी कर रहे होंगे, तो वो कैसे मैनेज हो सकता है, कैसे लोड कम लिया जा सकता है? लोड तो कम नहीं होता, लोड ज़्यादा लेके लिया क्या जा सकता है काम करके। एक्चुअली ट्रैवल इसमें पैशन और यूट्यूब इसमें जॉब, तो ट्रैवल करता हूँ अपने पाप के लिए और यूट्यूब जो है वो सपोर्ट करता है मेरे ट्रैवल को। भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएं उसके लिए कोई संदेश? एक्चुअली मैं को पॉलिटिक्स एक संदेश एक एक संदेश तो हमेशा यही है, मतलब आप देखें मैं ओरिजिन मेरा पाकिस्तानी मुस्लिम, यहाँ पे कोई इस नज़र से तो नहीं आया कि जो है उसने ये सोचा होगा कि मैं इससे क्यों मिलने जाऊँ, ये पाकिस्तानी है मुस्लिम है। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी ऐसे लोग सर लोग एक सवाल जगह अच्छे मिलते हैं। सर एक सवाल तो बनता है, भारत आप पहुँचे हैं पहली बार आपका आना हुआ है, बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में क्या खास बात भारत की? देखिए बाकी कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर आप ट्रैवल करते हैं तो वो एक कंट्री होती है, भारत इट्सेल्फ इज़ अ वर्ल्ड, सो यू स्टार्ट फ्रॉम साउथ और जैसे आप ट्रैवल करते हो, मैंने ज़रा फास्ट पेस को लिया है, ऑलमोस्ट एवरी टू थ्री थर्ड डे आपको ऐसा लगता है कि आप एक नए रीजन में, लोग लैंग्वेज कल्चर फूड सब कुछ चेंज होता है, यू एक्सपीरियंस मल्टीपल थिंग्स इन वन कंट्री। कहाँ का खाना सबसे अच्छा लगा सर? कहाँ का खाना सबसे अच्छा लगा? एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ तो मैं थोड़ा सा बायस हूँ कि अपने नॉर्थ के खाने अच्छे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मैंने कुछ खाने खाए थे बहुत अच्छे थे, साउथ में खाए थे बहुत अच्छे थे। एक्चुअली फूड इज़ पार्ट ऑफ, वो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे टेस्ट बड्स के लिए हो, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप उसको ट्राई करते हो, आप देखते हो वहाँ के लोग क्या खाते हैं, बस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती। तो हरियाणा की शान, भारत की शान पगड़ी, और वो पगड़ी पहनाई जा रही है अबरार हसन जी को, उनकी पूरी टीम को, उनके बाकी साथियों को, और पहचान बनती है पगड़ी से, पता चलता है कि आपने हरियाणा में प्रवेश कर लिया है, आपने उस धरती पर प्रवेश कर लिया है जहां पर युद्ध भी हुए हैं और वहां के लोग बड़ा प्यार भी देते हैं। आप देख सकते हैं पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। एक बार बाइकिंग कम्युनिटी के लिए तो तालियां बजा दो। एक सेरेमनी यहाँ पर की जा रही है वेलकम को लेकर, इंडिया में जो तो आप देख सकते हैं कि ये तालियों की गड़गड़ाहट बताती है कि एक जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अबरार हसन जी पहुँचे हैं जो मूल रूप से पाकिस्तान के रहने वाले हैं और जर्मनी की उनके पास सिटीजनशिप है और बाइक राइडर वो हैं, कई देशों में वो बाइक के जरिए घूम चुके हैं और तमाम युवाओं को एक संदेश देते हैं। वो कैसे कह रहे हैं कि इंडिया आना मेरा एक ख्वाब था और वो ख्वाब अब पूरा हो चुका है, और नॉर्थ इंडिया का जो
फूड है उन्हें बहुत अच्छा लगा। करनाल राइडर जो है ग्रुप की तरफ से ये वेलकम जो है वो किया जा रहा है, और किस तरह से दे सकते हैं ये मीडिया सेरेमनी में ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो संदीप भाई खड़े हैं, तो ये हमें थोड़ा सा जो है ना वो इस ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में जो है ना बता देंगे ताकि मैं आपको कोई गलत चीज़ ना बताऊँ। जी संदीप जी बताइए। नमस्कार जी। सर ये हमारा इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट है, और ये हमने बेसिकली जो बॉम्बे टू पेशावर एक ट्रेन जाती थी एंड दैट वॉज फर्स्ट AC ट्रेन जो इंडिया टू पेशावर जाती थी, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पे वो फूड सर्व करते हैं जो रस्ते में स्टेशन आते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौरी चारगा, पनीर पेशावरी, दाल लाला मूसा, इस तरीके की चीज़ें हम लोग सर्विस करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। लाला मूसा की दाल हमारे यहाँ जो है बहुत मशहूर है। अभी भी लोग अगर हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि एक स्टॉप लाला मूसा में देख के वहाँ पे दाल। हम लोग भी टिपिकल वही चीज़ें सर्व कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। के बाद पूरे नूरमहल स्टाफ ने अबरार हसन जो बाइक राइडर हैं उनको पूरे होटल का एक टूर कराया गया, यानी पूरा होटल अच्छे से घुमाया गया किस ताकि वो जब अपने देश जाएं यानी पाकिस्तान जाएं वहां के लोग ये जरूर देखें और उन्हें भी ज़रूर ये चीज़ अबरार हसन बताएं कि करनाल के अंदर मैं एक प्रॉपर्टी में गया, नूर मैल कर वो प्रॉपर्टी थी, इस तरह से जब वो वहाँ पर जाकर बताएंगे और दिखाएंगे वो भी ये चीज़ से काफ़ी खुश होंगे कि हमारे भाई अबरार हसन का वेलकम किस तरह से किया गया और उन्हें किस तरह से यहाँ पर अच्छा जो स्वागत मिला, अच्छा ट्रीटमेंट मिला। आप ये सब तस्वीरें आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ, आप भी इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अंदर। अबरार हसन अब ये नूर मेल का बार है, वहाँ पर बार के अंदर उन्हें ले जाया गया और सब उन्हें बताया गया कि बार कितना बड़ा है और इसमें कितनी से कितनी चीज़ें रहने वाली हैं, वो सब की सब उन्हें बताई गई और पूरा टूर होटल का अच्छे से जो वहाँ का स्टाफ था उनके द्वारा करवाया। और को देखने के बाद उसके बाद अबरार हसन को स्टाफ लेकर पहुंचता है सेकंड फ्लोर, उसके बाद वो रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं और रूफ टॉप पर पहुंचकर पूरा करनाल का दृश्य उन्हें दिखाया गया। करनाल इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, CM सिटी है, और साथ साथ यहाँ पर अबरार हसन को वो तमाम चीज़ें बताई गई जो जो इस होटल के साथ जुड़ी हुई हैं और जो जो ये करनाल के साथ जुड़ी हुई हैं। करनाल बेसिकली दिल्ली से 120 किलोमीटर पहले है, अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो 120 किलोमीटर चंडीगढ़ से आगे, यानी दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में ये स्थित करनाल। करनाल के अंदर ये 5-स्टार प्रॉपर्टी
नूर महल, आप हवेली आपने इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी देखी होंगी, पर ये प्रॉपर्टी जो है करनाल में इतनी सुंदर प्रॉपर्टी बनी हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोग आकर शूटिंग्स करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं। और उसी तरह जो अबरार हसन पहुँचे पाकिस्तान से, तो जो स्टाफ था उन्हें भी लगा कि हमें अपने जो यहाँ की खासियत है वो दिखानी चाहिए, ताकि ये आगे जाकर जहाँ भी अपने ख़ास लोगों से मिले तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें कि भारत में करनाल के अंदर जब मैं गया तो इस तरह से मेरे साथ ये चीज़ें मुझे बताई गई, दिखाई गई। वक्त था करनाल से चंडीगढ़ की तरफ जाने का। अबरार हसन लगभग 4 से 5 घंटे करनाल में रुके, उसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ की ओर जाना था। चंडीगढ़ में एक मीटिंग पॉइंट बना हुआ था, वहां पर मीटिंग करने के बाद उन्होंने अमृतसर गोल्डन टेंपल में मत्था टेकना था। गोल्डन टेंपल के बाद वो फिर बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर एंटर होंगे। आपको मैं अबरार हसन जो बाइक राइडर हैं उनकी बाइक दिखाऊंगा, जो BMW बाइक शिप होकर इंडिया आई थी, वहां से वह कोची से चलकर साउथ घूमते हुए पूरा, उसके बाद वह नॉर्थ में आते हैं, नॉर्थ में दिल्ली से मीटिंग करके। ये बाइक है जो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, GGP446 यानी जर्मनी का ये नंबर है। जर्मनी से बाइक निकली है और उसके बाद ये काफ़ी देशों में होती हुई दुबई पहुंचती है, दुबई से शिप होकर ये पहुंचती है भारत, भारत से अब बाय रोड ये जाएगी पाकिस्तान। अबरार हसन अब तैयारी करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि इन्हें काफ़ी समय यहाँ पर हो गया था। अगला इनका जो पॉइंट था वहाँ पर इन्होंने पहुँचना था, क्योंकि पूरा प्लान इनका तय हुआ हुआ था। इनके साथ करनाल राइडर ग्रुप ने काफ़ी संपर्क किया, संपर्क करने के बाद इन्हें टाइम मिला, टाइम मिलने के बाद अबरार हसन पहुंचे तो उन्हें इतना यहां पर उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ इस तरह से यहां पर होगा, पर उम्मीद से कई गुना ज़्यादा इन्हें यहां पर प्यार मिलता है। और करनाल राइडर ग्रुप को बार बार दिल से धन्यवाद करते हुए अबरार हसन नज़र आते, पगड़ी जो बांधी गई थी वो अपने साथ उन्हें ले जाने के लिए कहा गया कि आप इसे साथ लेकर जाएंगे। अबरार हसन अब अपने पूरे जितने भी गियर्स हैं वो अब डालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब वो यहाँ से रवाना होते हुए आपको नज़र आएंगे। बेसिकली उन्होंने अब चंडीगढ़ स्टे करना है, चंडीगढ़ के बाद वह अमृतसर, अमृतसर से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान में एंटर होंगे। ये देखिए तमाम गियर्स, जो इन गियर्स के बिना राइडिंग बिल्कुल अधूरी है, इन गियर्स के बिना राइडिंग करनी भी नहीं चाहिए। मैं बेसिकली जो अबरार हसन ने बताया था कि अगर आपके पास प्रॉपर गियर्स नहीं है तो आप राइडिंग मत करिए, क्योंकि सेफ जब तक आपने आपको नहीं करेंगे तो आप राइडिंग मत करिए। अगर आपके पास गियर्स प्रॉपर हैं तो आप राइडिंग करिए। इनके पास प्रोफेशनल गियर्स थे जो इन्होंने हमें बताए, दिखाए, उन गियर्स के साथ ये पूरा देश घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग
27 कंट्रीज में ये हो आए हैं और आगे भी इसी तरह से इनका कहना था कि मैं चलता रहूँगा। अबरार हसन काफ़ी जो है फेम कमा चुके हैं यूट्यूब के ऊपर भी। वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लेंस बाय अबरार इनका यूट्यूब चैनल है, वाइल्ड लेंस बाय अबरार यूट्यूब चैनल है। अब आप देखिए इस तरह से गियर्स पहनते हैं और निकल पड़ते हैं और कुछ एक किलोमीटर 150-200 किलोमीटर के बाद ये ज़रूर रुकते हैं। दिल्ली से 120 किलोमीटर मैंने आपको बताया, करनाल ये रुके लगभग 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि यहाँ पर लंच रखा गया था करनाल राइडर ग्रुप की तरफ से। उस लंच को करने के बाद जब ये यहाँ से निकलते हैं और चंडीगढ़ के लिए, वो अब ये वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अब यहाँ से कुछ ही समय में रवाना होंगे। और अबरार हसन बार बार शुक्रिया करते हुए नज़र आए करनाल राइडर ग्रुप का, और करनाल राइडर ग्रुप इतना इंस्पायर हुआ इनसे और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया कि हमें सीखने को मिला है इनसे, और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। और अबरार हसन यहाँ से अब निकलते हुए, देखिए अपनी बाइक पर बैठ चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं करनाल के नूर महल से। नूर महल 5-स्टार प्रॉपर्टी में जो है वो रुकवाया गया था, क्योंकि शहर से ये थोड़ा सा बाहर पड़ता है मेन शहर से, और ये साथ में जो बाइक चल रही हैं इनके 3-4 बाइक जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं, इन्हें ब्रिज सर तक छोड़ कर आएंगी।